हे गाइस, वेलकम बैक टू फैशन केयर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फैशन केयर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीरम के बारे में। जैसे कि सीरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सीरम की लेकर काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि सीरम क्या होता है, इसे स्किन केयर में कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और ख़ास करके इसकी प्राइस और आप इस कहाँ से परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पर कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे कीजिएगा लाइक और शेयर, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि सीरम क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे स्किन पर कब, क्यों और कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही जान लेना जरूरी है कि सीरम होता क्या है। सीरम देखिए एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, ये स्किन केयर के लिए इस्तेमाल होता है जो कि स्किन की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये स्किन पर जो है आपकी त्वचा की कुछ जो खास समस्याएं होती, जैसे आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, आपकी डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है आपकी और आपकी स्किन में बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो उसके लिए सीरम का इस्तेमाल होता है। सीरम जो है एक तरह का मेकअप जो है प्रोडक्ट होता है और इसकी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी भी आपके स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। ये आपका स्किन जो होता है इस पर, चूँकि ये किसी चीज़ को लगाए बिना सबसे पहले सीरम का इस्तेमाल होता है, तो सीरम आपकी स्किन में अंदर की तरफ पेनिट्रेट होता है, स्किन की डीप लेयर में जाता है, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपके स्किन की हेल्प करता है। तो ये हो गया सीरम होता क्या है। ये एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं क्या सीरम भी मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र तो नहीं है बट ये मॉइस्चराइज़र जैसा ही काम करेगा, साथ में आपके प्रॉब्लम्स भी दूर करेगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा क्योंकि ये अगर वाटर बेस्ड होता है तो आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा, तो आपकी जो फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें जो है, आपकी स्किन जब ड्राई होती है बहुत ज़्यादा ड्राई एज के साथ क्या होता है, स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब आप सीरम वगैरह इस तरह की चीज़ों को अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, एक्स्ट्रा जो ऑयल की ज़रूरत होती है जो आपकी स्किन जो है नेचुरली नहीं बना पा रही है तो वो आपकी स्किन को ये सप्लाई देता है। तो इससे क्या होगा, आपके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आने स्टार्ट होते जाते हैं, एजिंग के साइंस होते हैं वो कम होंगे और अगर आपकी जो है स्किन में ओपन पोर्स हैं ये सारी चीज़ें हैं तो इन सबको भी ये दूर करेगा और साथ में डल स्किन है तो उसको भी रेडिएंट ग्लोई स्किन बना देगा। तो ये रहा सीरम के बारे में कि सीरम होता है क्या है। अब हम बात करेंगे, अब जैसे सीरम के बेनिफिट्स की बात करूं उससे पहले मैं दिखा देती हूँ सीरम होता कैसा है। ये देखिए गुड वाइब्स का सीरम है मेरा, विटामिन सी एंड B3, ये फेशियल सीरम है, ये ग्लोइंग स्किन के लिए होता है। अगर आप इसका डेली यूज इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पर, डेली स्किन केयर में इसे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन डे बाई डे जो है ग्लोई हो जाएगी, आपकी अनइवन स्किन टोन भी गायब हो जाएगी, आपका जो है डलनेस भी चला जाएगा। अगर आपके स्पॉट्स वगैरह हैं, एंटी एजिंग जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को लाइटन और ब्राइटन करते हैं, और विटामिन सी जो होता है आपकी स्किन के लिए ग्लो ले आता है। तो इस तरह से ये वाटर बेस्ड होता है तो ये अच्छी तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। मेरे पास दो सीरम है, दोनों में दिखा दे रही हूँ। ये देखिए गुड वाइब्स का मलबरी सीरम है, ये भी विटामिन सी और B3 है, तो इसे भी ड्राई स्किन है मेरी, इसके लिए आपकी स्किन भी अगर ड्राई है वैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है ये फेस सीरम जो है ग्लो के लिए इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये अगर आपको एक रेडिएंट स्किन चाहिए या फिर आपको मेकअप में आपका मेकअप ग्लोई हो, आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड रहे क्योंकि मेकअप लगाने के बाद भी स्किन ड्राई होती है तो आप इस सीरम का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं हो है, गुड वाइब्स का है 240 अफोर्डेबल प्राइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है 240 रुपीज़ है। इस पर अक्सर डिस्काउंट चलता रहता है तो डिस्काउंट में आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसका जो सेकंड मैंने दिखाया मलबरी जो है 10 ml इसकी भी क्वांटिटी है, इसकी प्राइस भी अराउंड 275 है।
ये भी डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, पर्पल अमेजोन सारी साइट्स पे आपको ये अवेलेबल है। अब आपको अगर चाहिए तो मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें इसकी प्राइस क्या है और वहाँ से इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो ये किस्म तो वैसे बहुत कॉस्टली भी आते हैं, बट आप अफोर्डेबल रेंज के सिरम को ले सकते हैं स्टार्टिंग में। आप लगा के देखिए, अगर आपको इसके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं तो फिर आप इसको रेगुलर यूज़ में लीजिए, अदरवाइज आप दूसरा कोई सिरम देख लीजिए। बट इसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसमें आप जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर मैं जो सिरम दिखा रही हूँ, दो सिरम मैंने आपको दिखाया है, वो आप ले सकते हैं। तो अब इसके बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले ये चीज़ होती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, स्किन की जो भी डैमेजेस हैं उनको रिस्टोर करता है। मीन्स आपका जो भी स्किन में डैमेज होता है, दिन भर में आपकी स्किन को इतनी सारे पोल्यूशन हो चारों तरफ है, डस्ट है, आपकी स्किन में जो जा रहा है तो आपकी स्किन को डैमेज करता है, स्किन को डल करता है, आपकी स्किन अनइवन हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को ये रिपेयर करता है। उसके बाद बहुत लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, ओपन पोर्स यहाँ पे जो आपका जो बड़े बड़े से पोर्स दिखाई देते हैं, जो कि आप मेकअप करें या फिर ऐसे नॉर्मल स्किन हो तो वो पोर्स जो है बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही खराब लगते हैं। तो उन पोर्स की प्रॉब्लम को भी ये मिनिमाइज करता है, मतलब अगर आप सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद आपका ये विटामिन सी रिच कॉम्बिनेशन है, तो विटामिन सी तो वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अब दूसरी बात ये आती है कि सिरम को लगाते कैसे हैं, इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसे कब लगाना चाहिए, इसे कितनी बार लगाना चाहिए, और इसको मॉइस्चराइजर के साथ लगाना चाहिए या विदाउट मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। तो मैं इसको लगाने के लिए, इसको आप स्किन में दो बार लगा सकते हैं, एक आप मॉर्निंग में लगाइए, एक नाइट में सोने से पहले। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार लगाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे रात में लगाइए, सोने के पहले जो है आप इसकी अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद जो है आप इस सिरम का इस्तेमाल करिए, टोनर भी लगाइए, तो इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप जिस भी एजिंग की प्रॉब्लम है, तो ये एंटी ऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं जो आपकी एजिंग के साइंस को रिड्यूस करते हैं, रात में स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, इससे आपकी जो है स्किन काफ़ी अच्छी होती है। और जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर क्रीम्स वगैरह का यही सजेस्ट किया जाता है कि आप रात में लगाइए। इसी तरह अगर सिरम को भी आप रात में लगाकर सोते हैं तो ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। उसके बाद में आप जो है चाहो तो मॉइस्चराइजर लगाओ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गर्मियों के दिन में मॉइस्चराइजर लगाना अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप चाहो तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। ये बता दूं कि सिरम का इस्तेमाल हमेशा टोनर लगाने के बाद होता है और मॉइस्चराइजर लगाने से पहले होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि पहले सिरम लगाते हैं या पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मेकअप में इसे कब लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको सिरम लगाना है तो पहले टोनर के बाद सिरम लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, क्योंकि मॉइस्चराइजर की एक लेयर जो है ज़रूरी होती है लगाना। सीरम लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस पहले अपनी स्किन को स्किन केयर जरूर कीजिए। स्किन केयर रूटीन में आप सबसे पहले क्लिंजिंग कीजिए अपनी स्किन की, क्लिंजिंग करने के बाद आप कोई सा भी टोनर लगाइए जो आप यूज़ करते हैं। मेरा ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर है, ये टोनर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम प्राइस में मिलता है, तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है टोनर का तो इसे लीजिए, मॉडल को चेक करिए, इसके बाद में इसको जो है अपनी स्किन पे स्प्रे कर लीजिए। टोनर को स्प्रे कर लिया, टोनर लगाने के बाद ही कुछ ही जो है सेकंड से या एक मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है स्किन पे, देखिए। तो इसके बाद लगाते हैं सिरम, टोनर के बाद में सिरम लगाते हैं। सिरम की बॉटल देखिए कुछ इस तरीके की होती है, इसमें एक ड्रॉपर आपको मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स, केवल 2 से 3 ड्रॉप्स ही काफ़ी होती हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको फेस पे ले लीजिए, और फेस पे लेने के बाद इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगती है, 2-3 ड्रॉप ही काफ़ी होता है, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, तो पूरी स्किन पे स्प्रेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और कुछ डैप डैप करेंगे तो ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखा, कुछ ही सेकेंड्स में ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। और तो आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन में आप सिरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे लगाना बिल्कुल आसान है। मेकअप में इसका इस्तेमाल कैसे होता है अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेकअप में कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है।
ये तो हो गई डेली स्किन केयर रूटीन में सीरम को कब लगाते हैं, 2 बार लगाइए। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप 1 बार लगाइए, रात में लगाइए, बट अगर आप इसको लगाते हैं तो आप इसका एक अच्छा इफेक्ट कुछ ही दिनों में अपनी स्किन पर पाएंगे। तो सीरम का अब एक क्वेश्चन और आता है कि सीरम का इस्तेमाल मेकअप में कब किया जाता है, मेकअप में, मेकअप करने से पहले जब आप स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं उससे पहले, मॉइस्चराइजर तक सीटीएम होता है, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो आप अपनी स्किन में सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करिए मेकअप से पहले, फिर टोनर लगाइए, टोनर लगाने के बाद तो जो है आप जो है मॉइस्चराइजर लगाने से पहले सीरम लगाइए। सीरम की डोज के बाद जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, प्राइमर है, फाउंडेशन, ये सब चीज़ 40 चीज़ लगाइए। अब मेकअप में इसका क्यों लगाया जाता है, मेकअप में भी सेम चीज़ है, आपकी स्किन को ये अच्छे से हाइड्रेट करता है क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। और इसके बाद आप जब भी फाउंडेशन लगाते हैं या फिर कोई और जो है आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्किन ड्राई पड़ रही है तो आपके मेकअप जो है केकी होता है, पैची होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि मॉइस्चराइजर की लेयर क्या होता है, थोड़ी देर में हट जाती है। विंटर्स में अक्सर क्या होता है कि हम मॉइस्चराइजर लगाते तो है लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो आपकी स्किन में उतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और कुछ देर बाद वो लेयर हट जाती है, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें लगाते हैं थोड़ी देर बाद स्किन ड्राई होने लगती है। बट अगर आप जो है सीरम लगा रहे हैं तो सीरम इतना जो है अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, इतना ये थिन होता है कि आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट किए रहता है। तो मेकअप जब लगाते हैं तो मेकअप का आपका ग्लोई होता है, पैची नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है, ये सब जो है सीरम की वजह से होता है। तो सीरम भी लगाइए, मॉइस्चराइजर भी लगाइए, फिर आप चेंज देखिएगा कि आपकी स्किन जो है विंटर्स में भी ड्राई नहीं होगी और समर में भी आपका मेकअप बिल्कुल भी पैची नहीं दिखाई देगा। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि अब आपको सीरम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, आपके इसके यूजेस मैंने बता दिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताया, सीरम होता क्या है बेसिकली वो भी बता दिया। इसके बाद भी आपकी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो ये जो 2 सीरम मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इसकी एक रिव्यू वीडियो भी डाल दूंगी, चैनल पर आप जाके चेक कर लीजिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। ये ऐसे ही यूज़ होता है फेशियल ऑयल, फेशियल ऑयल के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो फेशियल ऑयल का क्या यूज़ है, मेकअप में क्या यूज़ है इसका और आपके स्किन केयर में क्या यूज़ है, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली मेरी वीडियो में। तो उसके लिए कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसी ही जो है मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।